ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरुवार है। मीठे बाबा के 29 तारीख के महावाक्य है। मीठे बच्चे, यह भारत भूमि निराकार बाप की जन्मभूमि है। यहाँ ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। प्रश्न है, शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। पांच विकारों का हम दान देते हैं, अंदर में डर रहना चाहिए। अगर हम दान देकर फिर वापस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा, जिसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। हरिश्चंद्र की कहानी भी इसी पर बनी हुई है। हरिश्चंद्र जी ने तो स्वप्न में दान दिया था और वो प्रैक्टिकल में लाया था। हमने तो प्रैक्टिकल में दिया है तो बाबा कहते वापस लेने का ख्याल नहीं आना चाहिए। ओम शांति। यह बच्चों की है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। बच्चे जानते हैं हम उनके पास आए हैं, वही कल्प कल्प भारतवासी बच्चों को आकर राज्य भाग्य देते हैं। भारत में ही आते हैं ना, कितना अभिमान है, हमें नशा है, स्वयं भगवान भारत में आते हैं। यह भारत भूमि है, अपनी भूमि पर बहुत प्यार रिगार्ड होता है। जैसे कोई विलायत का बड़ा आदमी यहाँ मरता है तो उनको विलायत ले जाते हैं, अथवा यहाँ का कोई बड़ा आदमी विलायत में मरता है तो उनको यहाँ ले आते हैं। अपनी भूमि का मान रखते हैं। भारत को कहा जाता है भगवान की जन्मभूमि। यह भी जानते हो जिसको भगवान अथवा अल्लाह हो परमात्मा कहते हैं उनके सामने तुम अभी बैठे हो। नाम तो जरूर चाहिए ना। अल्लाह कहते हैं तो भी लिंग की पूजा करते हैं। ईश्वर अथवा खुदा कहते हैं तो जरूर उनकी निशानी चाहिए ना। लिंग को सब तरफ पूछते हैं, शिवलिंग को। चित्रों में भी आजकल देवताओं के आगे परमपिता परमात्मा का चित्र लिंग दिखाते हैं। वो है सबसे ऊंच, उनको अपना शरीर नहीं है, इसलिए निराकार कहा जाता है। साकार नहीं है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो हम उनके सामने कल्प कल्प हाजिर होते हैं शिक्षा लेने के लिए। बाबा से शिक्षा लेने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए हम आए हैं। भगवान वाच है तो जरूर राजयोग सिखलाते होंगे। स्टूडेंट को राजयोग सिखाया था और वह राजा रानी बने थे। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं। ये लक्ष्मी नारायण आदि ने लड़ाई से थोड़े ही बादशाही पाई है, बिल्कुल नहीं। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती कि इन्होंने सतयुग में राज्य कैसे पाया। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप से राज्य ले रहे हैं, हम उनके सन्मुख बैठे हैं, वही बाबा है, कृष्ण नहीं। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह है रचना। अभी बरोबर कृष्ण अपना पद ले रहे हैं जो फिर भविष्य में कृष्ण कहलाएंगे। ये है सारी पढ़ाई की बात। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। जैसे मनुष्य मनुष्य को बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनाते हैं, है तो मनुष्य ना। तुम समझते हो हम भी मनुष्य है परंतु पतित है। अभी बाप पावन बनाते हैं और हमें वर्षा भी देते हैं। पावन दुनिया तो नई दुनिया ही होगी ना। नई दुनिया में है ही राजाई। अभी तुम बाबा के सन्मुख बैठे हो, कितना नशा है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को प्यार से बैठ समझाते हैं, यह है पारलौकिक विचित्र बाप। विचित्र माना जिसका कोई चित्र नहीं है, जिसको कोई शरीर नहीं है हमारे जैसा। जिसके लिए तुम गाते हो, त्वमेव माता श पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। ये समय तुम जानते हो यह अपना पाठ बजाते हैं। जो भक्ति मार्ग में हम गायन करते हैं, तुम कहते हो हम शिव बाबा के पास आए हैं। चिट्ठी भी लिखते हो, शिव बाबा केरो ब्रह्मा बाबा। कोई को तुम पोस्ट दिखाओ तो वंडर कहेंगे, शिव बाबा केरो ब्रह्मा, ऐसा तो कभी सुना नहीं। शिव बाबा ब्रह्मा के ब्रह्मा में आकर विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं, सामने खड़े हैं।
ऊपर में है शिव बाबा। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की थी, आप फिर से कर रहे हैं, यह है प्रवृत्ति मार्ग। राज विद्या में भी बैरिस्टर पढ़ाते हैं तो मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं। फीमेल में भी जज, बैरिस्टर, डॉक्टर आदि बनती है, यह भी प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, वो अलग है। यह भी बाबा ने समझा है, शंकराचार्य अगर नहीं आता तो पवित्रता का अंश नहीं रहता, भारत बिल्कुल ही जल मरता। यह नूंद है भारत को थमाने के लिए। भारत बहुत पवित्र था, फिर अपवित्र बना है, अभी भारत कितना कंगाल है। कहते हैं सोने की लंका समुद्र के नीचे चली गई, अब लंका तो सोने की हो नहीं सकती। ये सब कहानियां बैठ लिखी है जिससे फायदा कुछ भी नहीं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर बाबा हमको बिल्कुल सहज याद के बल से कितना ऊंच बनाते हैं। बाप प्रतिज्ञा करते हैं अगर निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में भी याद करने का पुरुषार्थ किया जाता है ना, क्यों याद करते हैं? हमको साक्षात्कार हो। ऐसे नहीं याद करते कि कृष्णपुरी में हमको बादशाही मिले वा हम नर से नारायण बन जाए। नहीं, तुमको भी ये आश नहीं थी कि हम मनुष्य देवता बने। गाते हैं मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार, मनुष्य से देवता बनने में टाइम नहीं लगता है। तुम देखते हो बरोबर कलयुग के बाद सतयुग आएगा, कलयुग में इतने मनुष्य है, सतयुग में एक धर्म होगा। अभी तुमको आत्मा और परमात्मा का भी ज्ञान है ना, दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ कैसे नूंदा है ये कोई नहीं जानते, ये अक्षर भी कभी कोई ने नहीं सुने हैं। बाप तो है ही ज्ञान का सागर, पतित पावन निराकार। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब पाप आत्मा से पुण्यात्मा बन रही है। सतयुग में तो है सब पुण्यात्माएं, यहाँ है पाप आत्माएं। ऐसे नहीं बहुत दान पुण्य करने वालों को पुण्यात्मा कहा जाता है, नहीं, पुण्यात्मा होते हैं सतयुग में। यहाँ जो मनुष्य दान पुण्य करते हैं उनको पुण्य समझते हैं, पुण्यात्मा समझते, वहाँ तुमको दान पुण्य करने की दरकार नहीं है। सतयुग में वहाँ कोई गरीब होता नहीं, तुम वहाँ सदैव के लिए पुण्यात्मा हो ही। तुम तन मन धन सब बेहद के बाप अर्थ देते हो जिसको बलिहार कहा जाता है। बाप कहते हैं पहले मैं बलिहार जाता हूँ या तुम जाते हो? बाबा कहते पहले तुम बलिहार जाते हो तब फिर एक ही जन्मों के लिए बलिहारी मिलेगी। ये बातें अभी तुम अच्छी रीति समझते हो, डायरेक्ट सुनते हो, घर में रहते हो तो वहाँ मुरली आती है, दूर से सुनते हो। अभी तो बाप के सन्मुख बैठे हो, बाबा कहते बच्चों मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, या अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। 84 का चक्र भी तुमको समझाया जाता है, जो 84 जन्म लेने वाले होंगे वो आएंगे समझेंगे, और नहीं लेने वाले होंगे तो आएंगे भी नहीं समझेंगे भी नहीं। तुम समझते हो हम बरोबर हम 84 का चक्र लगा कर वापस जाते हैं। बाबा कहते तुम आत्मा अशरीर आई थी फिर अशरीर होकर वापस जाना है। तुम पवित्र आत्माएं होकर जाती हो, पवित्र बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। योग बल अर्थात याद बल से तुम पवित्र बन जाएंगे। योग अक्षर शास्त्रों का है, राइट अक्षर है याद, भगवान की प्यार से याद करना। स्त्री को पति की अथवा पुरुष को पत्नी की याद रहती है ना, योग का अर्थ भी है याद। कितना सिंपल बाबा ने कहा याद। बाबा भी कहते हैं मामी कम याद करो और संग बुद्धि योग तोड़, मुझ एक के संग जोड़ो। अपने बाप के साथ बुद्धि योग जोड़ो, याद करो, जितना याद करेंगे उतना तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, फायदा ही फायदा है ना। बरोबर भारत को कल्प कल्प वर्षा मिलता है। शिव जयंती भी मशहूर है, जैसे बुद्ध क्राइस्ट आदि की जयंती है वैसे निराकार शिव की भी जयंती है, वह ऊंचते ऊंच हो गया। कृष्ण जयंती भी मशहूर है, परंतु वह क्या आकर करते ये किसको पता नहीं। कृष्ण सतयुग का प्रिंस था, जरूर उनको कोई ने ऐसा कर्म सिखाया होगा जो सतयुग का प्रिंस बना है। छोटा बच्चा तो पवित्र ही है, वहाँ विकार की बात नहीं होगी, बच्चा शुद्ध रहता है। भगवान तो एक ही निराकार है, गॉड इज वन, बाकी सारी है उनकी रचना। रचना से कभी भी रचना को वर्षा नहीं मिल सकता, वर्षा बाप से मिलेगा।
भाई को भाई से वर्षा नहीं मिल सकता, तुम सब भाई भाई हो, ब्रदरहुड कहते हैं ना, बाप तो एक ही है, वर्षा बाप से मिलेगा। सर्व भाइयों का सदगति दाता है ही एक बाप, सभी आत्माओं को बाप से वर्षा मिल रहा है। बाबा कहते हैं मैं आत्माओं को आकर पढ़ाता हूँ, आत्माओं को सदगति देता हूँ। बाबा बेट राजयोग सिखलाते हैं, इस पढ़ाई का पद तुमको यहाँ नहीं पाना है, सतयुग में लेंगे हम। वह बैरिस्टर आदि इस जन्म में बनते, फिर दूसरा जन्म लेकर फिर से ABCD पढ़ेंगे ना, ऐसे नहीं कि पिछले जन्म में मैं बैरिस्टर था तो बैरिस्टर से आ गया, अभी मैं पढ़ाई करूँगा, कुछ नहीं, सब कुछ भूल जाता है। तुम बच्चे जानते हो इस पढ़ाई से हम 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हैं, वहाँ सतयुग में डॉक्टर आदि कोई होते नहीं है। क्यों नहीं होते भाई, वहाँ बीमारी नहीं होगी, वहाँ तुम गर्भ महल में रहते हो, यहाँ गर्भ जल में रहते हो, जहाँ बहुत सजाएं खानी पड़ती है। तब पुकार देश जेल से बाहर निकालो, हम फिर कोई भूल नहीं करेंगे। हाँ, गर्भ में बच्चा कहता है ना, भगवान मुझे बाहर निकालो, और बाहर आने के बाद वहाँ 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 कहता है, रोता है, वहाँ की वहाँ रही, जो करना है फिर करेंगे। धर्मराज से प्रतिज्ञा करते हैं, यहाँ तुमको शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी विकर्म नहीं करेंगे। विकर्म माना विकार के वश किए गए कर्म। पांच विकार हम आपको दे देते हैं, यह भी जानते हैं कि विकार ऐसे कोई फट से नहीं छूटेंगे, अंदर डर रहना चाहिए। हम विकारों का दान देकर फिर लेंगे तो ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र का मिसाल देते हैं, बाबा जानते हैं ऐसे नहीं कि पांच विकार झट से छूट जाते हैं। इतने 2500 साल रावण के हम मुरीद बने हैं, रावण का ही गिराइक थे, क्योंकि रावण छोड़ेगा नहीं ना, मरते दम तो कुछ ना कुछ वो ट्राई तो करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। नहीं, टाइम लगता है, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी तब लड़ाई लगेगी। ये तीसरा महायुद्ध जो है रुका क्यों है, क्योंकि हम बच्चे अभी तक कर्मातीत नहीं बने हैं। यह पांच विकार बड़े दुश्मन है, उसमें मुख्य है देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियस, उसका दान देना कितना मुश्किल है। घड़ी घड़ी बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ एक बाप को याद करो, परंतु यह होता नहीं। देहाभिमान बनने से फिर काम की चोट लगती है, देहाभिमान सबसे तीखा है। देही अभिमानी बनने में मेहनत है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये पाठ पक्का करने में मेहनत है। मुख्य देहाभिमान आने से पाप हुए, पांच विकार दान में देना पड़े, इसमें समय लगता है। साजन बिगड़ सजनिया तो जा न सके, शिव बाबा साजन, उनके पीछे पीछे हम आत्माएं सजनिया जाएंगी, पहले साजन को जाना है फिर सजनिया, साजन को आकर सब आत्माओं को ले जाना है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक पुरुषार्थ करना है, देहाभिमान में आने से भूले होती है। कहते हैं बाबा देहाभिमान में आकर के विकार में गिरे, तूफान तो बहुत आएंगे, विकार का संकल्प आए, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना। माया को जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बाबा कहते हैं अगर शादी की हुई है तो पवित्र रहकर दिखाओ, तो संन्यास भी देखेंगे। तुमको आमदनी देखो कितनी भारी है, जिन्होंने शादी की वो यदि पवित्र रहते हैं तो संन्यास भी उनके आगे झुकेंगे, नतमस्तक हो जाएंगे। पवित्र रहे दिखाया तो बहुत ऊंच पद पाएंगे, तुम पर तो सब कुर्बान जाएंगे। बाबा भी महिमा करते हैं, भल पवित्र भी रहे परंतु फिर योग भी चाहिए ना, योग में ही माया घड़ी घड़ी विघ्न डालती है, देहाभिमान आ जाता है योग में भी। पवित्र रहते हैं सो तो ठीक है, पवित्रता से ही पवित्र दुनिया में वर्षा पाएंगे, है ना, परंतु फिर माया भी जो रखेगी, माया बहुत बार करती है। बाबा समझाते यह सब होगा, बहादुरी दिखलाते हैं, परंतु साथ साथ निरंतर याद भी रहे तब ही विकर्म विनाश होंगे। रुस्तुम जो बनते हैं उनको माया भी बहुत सताती है, याद में मुश्किल रह सकते हैं, जो रह सकते हैं उनसे पूछना अनुभव, क्या समझते हैं कैसे रहते हैं, याद में रहने से विकर्म विनाश होंगे, यह बात ही बिल्कुल न्यारी है। यहाँ बैठे हो तो नशा चढ़ा हुआ है, भगवान के सामने बैठे हैं मधुबन में सेंटर पर बैठे हैं तो नशा चढ़ा हुआ है। यह भी समझते भगवान एक ही निराकार है, न कि कृष्ण,
वास्तव में कृष्ण के लिए शास्त्रों में बातें लिख दी, उखरी से बांधा, ये किया, ये कोई बात नहीं है। वो थोड़े शैतानी करेंगे ऐसी। अभी के बच्चे नाक में दम कर देते हैं, लेकिन सतयुग के बच्चे बहुत सयाने, प्यारे, मीठे होते हैं, समझदार होते हैं। तो कृष्ण की ग्लानी करते, इंसल्ट करते हैं। कृष्ण में तो कोई भी अवगुण नहीं था। चंचलता करना यह भी एक अवगुण है ना। कृष्ण तो बिल्कुल ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनके महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न, गाया जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। बोलो गुरु तो हमारा है नहीं, हम इनको न तो गुरु न ईश्वर मानते हैं। पतित पावन तो एक ही निराकार है, साकार गुरु कोई पतित पावन हो न सके। इस समय तुम परमपिता परमात्मा की सारी जीवन कहानी को जानते हो। 5000 वर्ष में शिव बाबा का क्या पार्ट बचता है ये तुम बच्चे जानते हो बाप द्वारा। नॉलेज स्कूल तो बाप है ना। सुख शांति आनंद का सागर, यह महिमा उनकी है, शिव बाबा की। बाप के पास खजाना है तो जरूर बच्चों को भी देते होंगे ना। अच्छा मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना चाहिए, मजबूत होना है। दूसरी पॉइंट, सदा पुण्यात्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है। एक बार बलिहार जाने से 21 जन्म के लिए पुण्यात्मा बन जाएंगे। ये बलिहारी है इस जन्म की। वरदान उपराम और एवर रेडी बन, बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाली सर्व कलाओं से संपन्न भव। उपराम और एवर रेडी बन, बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं से संपन्न भव। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है, वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहाँ चाहे, जितना समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं। यही भी कला है। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय जहाँ स्थित करना चाहो वहाँ स्थित कर लो। यही सबसे बड़ी कला है। इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवर रेडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। युद्ध में समय न जाए, जहाँ चाहे वहाँ अपनी बुद्धि को मोल्ड करे, और जो मोल्ड होता है वही रियल गोल्ड होता है। स्लोगन है, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी है। सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी है। अच्छा, ओम शांति, हैव अ नाइस डे।